नमस्कार। अमेरिकी सेनेट में एक बिल आया है। वो बिल इसलिए आया है, ये बोल रहा है बिल के इंडिया से रिलेशंस बेटर करो ताकि हम काउंटर कर पाए चाइना को। यूएस इंडिया डिफेंस कोऑपरेशन एक्ट एक्ट बनने के बाद बनेगा। ये बोलता है कि भाई इंडिया को ट्रीट किया जाए किसी और अमेरिकन एलाय की तरह, और प्रपोज करता है एक्सेंप्शन ऑफ नेशंस फ्रॉम सैंक्शंस फॉर परचेज ऑफ रशियन इक्विपमेंट। मतलब इंडिया रशियन इक्विपमेंट खरीदे तो भी उसके ऊपर सैंक्शंस ना पड़े। ये बिल लाए हैं मार्को रूबियो, जो कि रिपब्लिकन सेनेटर हैं फ्लोरिडा से। अच्छा, रिपब्लिकन सेनेटर फ्लोरिडा से, रिपब्लिकन ही ट्रंप भी आने वाले हैं। रिपब्लिकन ऐसा कुछ नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि रिपब्लिकन हम पे कुछ ज्यादा मेहरबान होते हैं और डेमोक्रेट्स नहीं होते। दोनों को इंडिया की बराबर जरूरत है। लेकिन ये बिल क्या करेगा और इस बिल का कितने फायदे हैं, उसी पर बात करने के लिए हमारे साथ कर्नल शैलेन साहब। कर्नल शैलेन साहब एक लंबा अरसा भारतीय सेना में काम कर चुके हैं, सेवाएं दे चुके हैं और अब भी देश की सेवा में लगे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। सर ये थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। सर ये बिल कितना हमारे लिए फायदे का, क्या पहला क्वेश्चन, ऐसे बिल्स क्यों आ रहे हैं, क्या इंडिया की मजबूरी बन चुका है, अमेरिका की मजबूरी बन चुका है इंडिया? अमेरिका से रिलेटेड मैं आपको एक बड़ा अच्छा एग्जांपल दूंगा कि मैं अमेरिका को पाकिस्तान के कैरेक्टर से जोड़ता हूं हमेशा अपने लिए, इवैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कि पाकिस्तान टेररिज्म से तौबा कर ही नहीं सकता, उसके डीएनए में है, उसके खून में है, उसके कैरेक्टर में है। इसी तरह जब भी कभी अमेरिका किसी भी तरीके से मेहरबान होता है किसी पर, उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन होता है, और वो रीजन हमेशा उसके सेल्फिश गेन्स के तरफ होगा। ऐसा नहीं है कि मैं अमेरिका के खिलाफ हूं या किसी एक कंट्री के फेवर में हूं, लेकिन जब इवैल्यूएशन की बारी आती है तो मुझे लगता है कि यू मस्ट डू जस्टिस। जब जब एनालाइज करें चीजों को तो बड़े फ्रेंकली करें, उसके बावजूद हो सकता है कि मैं कहूं कि नहीं जी रशिया अभी भी अच्छा है हमारे लिए, लेकिन एनालाइज करना चाहिए, ऐसा मेरा सोच है। कभी भी अगर अमेरिका ने किसी की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है तो आप ये जरूर मान लीजिएगा कि वो हमारे इंडियन कल्चर के हिसाब से दोनों हाथ आगे बढ़ाकर नहीं मिलाता, जो हम लोगों का होता है, वो हमेशा एक हाथ आगे बढ़ाता है और एक हाथ पीछे रखता है। क्यों? क्योंकि वो जो पीछे वाला हाथ है वो काफी कुछ करता है। बट फिर भी आपके सवाल का अगर वेरी स्पेसिफिक जवाब दूं, स्पष्ट तरीके से मान लीजिए कि इसमें अमेरिका को ही फायदा है, क्योंकि अब आप स्पेसिफिक बात कर रहे हैं, आपने जिस सेनेटर के जो प्रपोज्ड बिल की बात कर रहे हैं, मैं उसी के लिए बोल रहा हूं। उस बिल का इरादा सिर्फ और सिर्फ अमेरिका को बेनिफिट करता है, और उसका जीता जागता प्रूफ यह है कि उन्होंने खुद ही कह दिया टू काउंटर चाइना। दैट मींस तुम मेरे में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हो, अगर आप इसको बड़े फ्रेंकली देखें, तुम अपना काउंटरिंग चाइना के वजह से दिखा रहे हो। उससे मुझे फायदा होगा घाटा होगा यह अभी हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा बड़ी बात यह है कि अगर उसने ये कहा होता कि यस हम ये बिल इसलिए ला रहे हैं क्योंकि हम इंडो यूएस कॉपरेशन को एक नई हाइट पर ले जाना चाहते हैं, एक स्ट्रेटेजिक लेवल पर ले जाना चाहते हैं, भाई आपने हमारे साथ स्ट्रेटेजिक टाइज तो कर लिए, लेकिन अभी आपको इसी बिल में दिख रहा है कि वो बोल रहा है कि हमें भी नेटो और एलाइज की तरह वो ट्रीट करें। ये बिल में बड़े क्लैरिटी के साथ चल रही है बात। सो मुझे एक बात बताइए, टू काउंटर चाइना दैट इज वाई कि हम उसके एलाई के बराबर का राइट लें या हक लें, और जापान और फ्रांस और यूके का जो स्टेटस है उसके लिए हम हमको वो बराबर रखे, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि यू वांट टू काउंटर चाइना, या इसलिए हो रहा है कि यू रिकॉग्नाइज इंडिया कि इंडिया एक रिलायबल पार्टनर है, एक रिलायबल एलाय है, एक रिलायबल प्लेयर है साउथ एशिया में? आप खुद सोचिए। So, मुझे लगता है यस इट्स अ गुड डेवलपमेंट, इसमें कोई डिनाइंग नहीं है, और डिप्लोमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह के इनिशिएटिव्स को किल नहीं किया जाता, डेवलप किया जाता है, केयरफुली एनालाइज किया जाता है, केयरफुली एवेल्युएट करा जाता है कि क्या ये फायदा मुझे कितना पहुंचाएगा। अगर यस वो हमारे को
स्टेल्थ टेक्नोलॉजी दे देगा F-35 की, अगर वो हमें सुपर कंप्यूटर्स दे देगा, अगर वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग हब्स इंडिया के तौर पर चूज करेगा इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, जैसा कि उसने पहले चाइना के साथ किया था। सो अगर इस तरह के इनिशिएटिव्स हैं तो यस, हमको इस डील को आगे बढ़ाना चाहिए, इस बात को एनकरेज करना चाहिए। बट अमेरिका के साथ कोई भी स्टेप उठाना है तो आपको काफी ध्यान से लॉन्ग टर्म विजन को रखते हुए उठाना है। ये मत सोचिए कि कल सवेरे उठते ही F-16 इंडिया को मिल जाएगा, परसों सवेरे सुपर कंप्यूटर मिल जाएगा। दे हैव अ स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, उनका एक वेस्टेड इंटरेस्ट है इसके पीछे, जो वो खुद ही डिक्लेयर कर रहे हैं। मैंने तो डिक्लेयर भी करने को नहीं बोला था, आपने खुद ही डिक्लेयर कर दिया। बट यस, इट्स अ गुड पॉजिटिव डेवलपमेंट कि अमेरिका इंडिया को रिकॉग्नाइज करने के बात कर रहा है, उसके सेनेट में या सेनेटर्स में इस तरह की फीलिंग है। कांग्रेचुलेशंस इंडिया एंड कांग्रेचुलेशंस यूएस। राइट। अच्छा सर, एक चीज कि ये बिल आएगा तो क्या इंडिया और अमेरिका, जो अभी हम देख रहे हैं कि इंडिया के ऊपर निजर वाला प्रेशर भी है, निजर से ज्यादा पन्नू वाला प्रेशर है, जो बोला कि खालिस्तानी को मारने के लिए कोई गुप्ता पकड़ लिया उन्होंने चेक रिपब्लिक में और उसको ले भी गए, तो क्या एक तरफ हमारे करीब आने की कोशिश करता है अमेरिका, एक तरफ खालिस्तानियों को पालता है, ये काउंटर बैलेंसिंग क्यों की जा रही है और इसके इम्पैक्ट क्या होगा? इंटरनेशनल रिलेशंस में सबसे बड़ी बात यह होती है कि आप कभी भी एक दूसरे के मुंह पर जो कहते हैं उसके पीछे साथ ही साथ वो कैरेट एंड स्टिक वाली पॉलिसी रखते हैं कि एक स्टिक भी अवेलेबल है, हम ऐसा कर सकते हैं, हम ये भी सोच रहे हैं। आपको एक तरह से प्रेशराइज किया जाता है, आपको एक वर्ल्ड फोरम में हम आपको नंगा कर सकते हैं कि आप ऑर्गेनाइज्ड किलिंग कर रहे हो, आप ये कर रहे हो, आप पन्नू को मारने की कोशिश कर रहे हो। ये सारी बातें जो होती हैं ये एब्सोल्युटली इंफॉर्मेशन और प्रोपोगंडा वॉर पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर करी जाती है एट डिप्लोमेटिक लेवल फॉर स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट। सबसे बड़ी बात यह, क्यों? क्योंकि अगर मुझे आपको मनाना है या मुझे आपको डराना है, प्रॉब्लम यह है कि इंटरनेशनली जब तक आप डरेंगे नहीं मानेंगे कैसे? ये जितनी बड़ी बड़ी फौजें रखी जा रही हैं बैलिस्टिक, आप बताइए 3-3, 4-4 हजार अगर आप न्यूक्लियर बॉम्ब रख रहे हो, कहां कहां इस्तेमाल करोगे 4,000? या आप मेरे ऊपर मारोगे या मैं आपके ऊपर मारूंगा, बड़ी सीधी बात है। आई डोंट फाइंड एनी स्कोप कि रशिया 3,000 बॉम्ब्स को इस्तेमाल करेगा और अमेरिका जो है वो रशिया के ऊपर 3,000 बॉम्ब गिराएगा। सोच सकते हैं आप, लेकिन आप ये क्वांटिटी इसलिए बढ़ाते हैं, एक कि आपके पास वैरायटी अवेलेबल, डिलीवरी के मींस अवेलेबल, उससे रशिया के ऊपर प्रेशर है, इसी तरह रशिया करता है। तो इंडिया और यूएस के बीच में जब आप देखते हैं, चाहे वो निज्जर वाला प्रॉब्लम आए, चाहे वो पन्नू वाला प्रॉब्लम आए, चाहे वो निखिल वाला प्रॉब्लम आए, ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स आपने बड़े आसानी से अवॉइड कर सकते थे, लेकिन आप इंडिया को ये प्रॉब्लम्स दिखाकर एम्बरेस करने की सिचुएशन में लाते हो कि अगर आप चाहें तो हम एम्बरेसमेंट आपको ला सकते हैं वर्ल्ड फोरम पर। जैसे कि पाकिस्तान अपने आप में एक टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर हो गया, अगर कल इस तरह की बात हमारे खिलाफ होती है तो जायज बात है वर्ल्ड कम्युनिटी में बात करी जाएगी कि इंडिया जो है वो अनएथिकल प्रैक्टिसेस करता है। सो अपने आप एक तरीके का प्रेशर आ जाता है। राइट सर। सर एक क्वेश्चन हो कि ये जो बिल है अगर पास हो जाता है तो इंडिया को क्या क्या फायदे? वो यस, सबसे बड़ा फायदा ये है कि एक लहर चलेगी, एक एनवायरमेंट क्रिएट होगा कि यस, यूएसए अब लीगली एज अ लॉ आपके साथ डील कर सकता है और वाइस वर्सा इंडिया उसके साथ एज अ हक मांग सकता है कि आपने अगर लॉ पारित किया है तो इसके अंतर्गत हमें ये वाले बेनिफिट्स मिलने चाहिए, हमें सुपर कंप्यूटर मिलना चाहिए, स्टेल टेक्नोलॉजी मिलनी चाहिए, हमें आपका आयरन डोम से रिलेटेड आइटम्स मिलने चाहिए, वगैरह वगैरह। ये वही वाली बात है कि अगर हमने गलत किया सही किया उसको इवैल्यूएट मत करिएगा, अगर हमने पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया तो उसका ट्रेड बढ़ा ना, हमारा तो कोई खास नहीं बढ़ रहा था, उसी को फायदा हो रहा था मोस्ट फेवर्ड नेशन लेने में। सो हमने एक एनवायरमेंट क्रिएट किया क्योंकि वो लीगल डॉक्यूमेंट है और उसको अब हमने वापस ले लिया।
अब जो है पाकिस्तान कभी नहीं कह पाएगा कि नहीं यार हमको ये वाला फेवर दे दो, हमको वो फेवर दे दो। इसी तरह जब यूएस किसी भी तरह के एक्ट को एनेक्ट करता है तो उसमें दोनों पार्टीज के पास एक तरीके का एक विंडो मिल जाती है कि इंडिया कैन, लेट से आप यूएसए हैं और मैं इंडिया हूं, और मैं आपके साथ ट्रेड करना चाहता हूं 1 मिनट के लिए खिलौनों का, और खिलौने जो हैं वो आप मुझे परमिट नहीं कर रहे हैं कि सर मैं क्या करूं, मेरे यहां पर तो प्रॉब्लम है, आपने वो S-400 खरीदा हुआ है तो उसकी वजह से सेंक्शन है। बोले क्या बात कर रहे हो, S-400 गया भाड़ में, ये रहा परमिशन आपके मेरे बीच में, अगर आप किसी भी एलआई से किसी भी स्ट्रेटेजिक पार्टनर से डील कर सकते हो और मैं उसमें एलिजिबल हूं तो आप मेरे को कर सकते हो, आपको कोई जरूरत नहीं है गवर्नमेंट को रेफर करने की। तो आपको एक एडवांटेज मिल गया कि आपको गवर्नमेंट को रेफर नहीं करना पड़ा क्योंकि आप मेरे से लेना चाहते थे, इंटरेस्टेड थे, और मेरा इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली सर्व हो गया कि जो भी कुछ मैं आपको देना या लेना चाहता हूं वो मैं उस क्लॉज में ले सकता हूं। इसका मतलब ये नहीं होगा कि एज अ एलआई या एज अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर कल आप बोल दें कि जी 1,000 न्यूक्लियर बॉम्ब मुझे भी दे दो, मुझे बनाने की जरूरत नहीं है। एक दायरा खुलता है, एक विंडो है, वो एक बड़ी विंडो में कन्वर्ट होती है, और वो बड़ी विंडो जब इस तरह की चीजें एनेक्ट हो जाती है तो वो एक दरवाजा बन जाता है। सो इट बिकम्स अ गेटवे फॉर यू टू डील विदाउट एनी हेजिटेशन, आपके बीच में इस क्लॉज के अंडर काफी कुछ हो जाता है। राइट, इस क्लॉज के अंदर काफी कुछ हो जाता है। अगर हमें स्टेल्थ टेक्नोलॉजी मिलती है सर, तो क्या ये बोल सकते हैं कि ये एक्ट स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का दरवाजा है हमारे लिए, फिफ्थ जनरेशन फाइटर भी मिल सकते हैं? मुझे लगता है कि सीधे दरवाजे तक जाना शायद अभी भी पॉसिबिलिटीज में बड़ा डिफिकल्ट होगा, लेकिन अगर आप वेरी फॉर्मली बात कर रहे हैं कि ये एनेक्ट हो जाता है तो हमारी इंडस्ट्री वहां अप्रोच कर सकती है उस इंडस्ट्री को स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कि इसका ट्रांसफर कर दीजिए, डिसीजन अगेन, बिकॉज ये सारे स्ट्रेटेजिक वेपन सिस्टम्स होते हैं, डिसीजन अगेन विल बी ऑफ गवर्नमेंट। इट इज समथिंग लाइक अगर हम ब्रह्मोस बना रहे हैं और ब्रह्मोस हम किसको देंगे, तो ब्रह्मोस अपने आप में तो एक कंपनी है ना, इट इज नॉट इंडिया, इट इज अ कंपनी। सो वो कंट्री, वो कंपनी जब फिलीपींस को दे रही होगी तो वो इंडिया की क्लियरेंस लेगी कि जी हमारा एग्रीमेंट हो रहा है और हम ये कर रहे हैं, तेजस में लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, जब भी जो भी कंट्री लेगा तो मेरी गवर्नमेंट उसको अप्रूव करेगी, परमिशन करेगी। इसी तरह यूएसए में भी स्टेल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड दो कंपनीज आप और मैं डील करने के लिए फिक्स कर सकते हैं, देन द डील रिक्वायर्स के एक अप्रूवल और एक काउंटर सिग्नेचर उसमें गवर्नमेंट के हों, और गवर्नमेंट उसको असेस करेगी और उसको भी आसानी पड़ेगी कि यस हमारा 1 साल पहले या 1 महीने पहले एग्रीमेंट हो चुका है, वेल आई थिंक वी कैन अप्रूव इट, दैट इज व्हाट दे विल डू। इट इज एग्जैक्टली समथिंग लाइक वो जो शरीफ साहब ने कहा कि मुशर्रफ ने वो एग्रीमेंट हमने समझौता किया था उसका पालन नहीं किया, वो देखिए क्या हो गया। दैट मीन्स अपने आप में वो समझौता दोनों के लिए सिर्फ रिमाइंडर है, परमिशन है, और वो एक पहले गेट खोल सकता है, एक खिड़की खोल सकता है, और उसी सबको एक दरवाजे में कन्वीनियंटली कन्वर्ट कर सकता है। राइट सर, थैंक्स अ लॉट सर, अ नाइस डिस्कशन, और उम्मीद है जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, फैंटास्टिक, जय हिंद।